हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि फ्रेंड आप लोग को बताना कुछ बातों के बारे में जो आई थिंक आप लोग को नहीं पता होगा फ्रेंड इन्फोसिस के क्राइटेरिया को लेकर। ओके, तो आज वीडियो में बताऊंगा कि आज के जो 23 जनवरी का जो 10 AM स्लॉट का 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड, उसमें और आने वाले जितने भी स्लॉट्स होने वाले एग्ज़ाम उसमें भी बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कहाँ से आप लोग जो पूरे पूरे आंसर को एंड क्वेश्चन को ले सकते हो। मैं पर क्वेश्चन को नहीं दिखाऊंगा, आप लोग को ही पता है फ्रेंड प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूंगा। ओके, मैं आंसर भी आप लोग को बता दूंगा कहाँ से आप लोग जो फिर आंसर वगैरह ले सकते हो। उसके साथ ही फिर बता दूं यहाँ पर, डोंट शेयर योर क्वेश्चन इन टेलीग्राम ग्रुप अदरवाइज यू विल बैन फ्रॉम द इन्फोसिस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग खुद इस चीज़ को समझ जाओगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर आपको मैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आप लोग को बता दूं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग को नहीं शेयर करना चाहिए। फिर आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना कि इफ़ यू आर शेयरिंग एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम अनदर मेंबर और इन एनी टेलीग्राम ग्रुप और एनी व्हाट्सएप ग्रुप एनी वेयर यू आर आस्किंग फ्रॉम। बता दूं, आप लोग जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान लो कि एक लड़का है, उसका नाम है राज। ओके, तो राज नाम का एक लड़का है, उन्होंने क्या है फोटो एग्जाम दे रहे हैं आज 10 AM पे या फिर आने वाले स्लॉट्स में वो एग्जाम दे रहा है। तो क्या कर रहा है वो बेसिकली उस क्वेश्चन को फोटो क्लिक के अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा है। वो बस बंदा चाहता है कि उसे इसका आंसर मिल जाए। चलो ठीक है, मानता हूँ उसको आंसर इसका कोई दे भी देता है, तो जो देता है क्या गारंटी वो आंसर इसका सही दे रहा है। पहला तो क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, आप लोग जब इस क्वेश्चन को शेयर करते हो तो आपका ये क्वेश्चन मल्टीपल जगह शेयर होता है फ्रेंड। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है जिनका खुद का अपना वेबसाइट है, वो बिना आपके नाम को हाइड किए डायरेक्ट आपके पेज को अपने वेबसाइट पर शेयर करके आंसर बता रहे हैं। देखो, आप लोग बोलोगे सर वो इंसान अच्छा तो काम कर रहा है, आई नो कि वो इंसान अच्छा काम कर रहा है, बट आप लोग अगर गौर करोगे तो फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पर सबके सामने पब्लिक हो रहा है फ्रेंड। और देखेंगे तो एग्ज़ाम डेट भी मेंशन किया हुआ 23 जनवरी 2022। तो फिर आप लोग इस बात को बिल्कुल भी हल्के मत लेना कि इन्फोसिस की टीम जो है किसी को भी नहीं देखती या फिर उनको पास कुछ ऐसा नहीं है। बता दूं, आप लोग यही शेयरिंग के वजह से लिंक्डइन में बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं फ्रेंड, और जब पोस्ट करते हैं उनको आप लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हो। मैं बता दूं, देखो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ फ्रेंड, यस ये मैंने गलती मैंने भी करा था। ओला का जब एग्ज़ाम हुआ था मैंने भी क्वेश्चन को शेयर करा था, तब से मुझे इस चीज़ को पूरा अच्छे तरीके से मुझे पता हो गया कि नहीं। देखो, किसी भी कंपनी को हल्के मत लेना फ्रेंड, आप लोग के नाम यहाँ पर ईमेल आईडी विजिबल है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे भी देते हो, क्वालिफाई कर भी देते हो, लेकिन मान लो कि इंटरव्यू के बाद या फिर आपके डेट ऑफ जॉइनिंग में अगर कुछ ऐसा मेल देखने को आता है कि आपका जो है ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू सम एक्स्ट्रा, मतलब कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग पकड़ा गए हो ड्यूरिंग योर असेसमेंट, तो आप लोग को कैसा फील होगा फ्रेंड। आप लोग को लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो अपने एक ग्रुप में, लेकिन आप लोग समझो फ्रेंड, ये फोटो बेसिक मैं इस फोटो का बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, आपको मिल जाएंगे फिर मल्टीपल लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, आप लोग शेयर करो, हो सके तो अपने इसको मत शो करो, अपने ईमेल आईडी को मत शेयर करो, पहली बात। दूसरी बात तो यही क्वेश्चन आप लोग के जो फ्रेंड बहुत सारे लोग वेबसाइट में शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं और इन्फोसिस को टैग करते हैं कि सी इन्फोसिस टीम हाउ द स्टूडेंट्स इज गिविंग ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम होम। तो ऐसे क्या होगा, आप लोग के एक गलती की वजह से सारे के सारे बच्चे का एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो सकता है फ्रेंड। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी हल्के मत लेना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि चलो ठीक है मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने ग्रुप में, कोई बंदा आंसर दे रहा है। देखो, जो बंदा आंसर दे रहा है उसे खुद भी इसका आंसर 90% पता नहीं होता, और 10% जो लोग बुद्धिमान वाले लोग होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे क्यों। लेट सपोज कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, आप खुद सोचो फ्रेंड, मैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में क्यों रहूँगा आप लोग के एग्जाम का आंसर देने के लिए, मुझे क्या मिलेगा वहाँ से। हाँ, जो लोग बोलते हैं पेड हेल्प वो लोग तो फ्रॉड होते ही होते हैं, वो छोड़ ही दो। ओके, और जो बोलते हैं फ्री हेल्प आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम यू कैन पे मी, नो डोंट पे एनीवन टू एनी रुपीस, बिकॉज कि अगर वो इतना ही तेज होते तो क्या वो गूगल का एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते, अमेजोन का SD एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते, उनको खुद ही उसका आंसर नहीं पता होगा। लेट्स सपोज आपने इस क्वेश्चन को पूछा, अगर आपको कुछ टेलीग्राम ग्रुप आंसर मिला 25, तो आप लोग जो फिर 25 तो यहाँ लगा दोगे, लेकिन आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे कि इसका आंसर 25 है या नहीं है। आप लोग बस दूसरे टेलीग्राम आप बोलोगे भी नहीं सर मैं चिटिंग करके बहुत एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन फ्रेंड आप लोग बात को समझना, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को शेयर करके आप लोग क्या उसमें हासिल कर लोगे। मानता हूँ कि आंसर आपको सही भी मिल जाएगा, लेकिन आपका जब ईमेल आईडी पब्लिक हो रहा है, आपका डेट ऑफ ये आपका एग्जाम और सेम आपका TCS में भी फ्रेंड, बिल्कुल भी ये गलती मत करो। हाँ, आप लोग वेट करो, लेट सपोज मेरे सब्सक्राइबर हैं मोर देन 50,000, तो आप लोग ना शेयर मत करो, मैं दूसरा का नहीं पता, मैं दूसरा लोग जो मैं वीडियो देखते नहीं थे मुझे नहीं पता, आप लोग मत शेयर करो, आप लोग वेट करो दूसरा का शेयर करने का, है ना। आप लोग देखो, आप लोग अपना मत शेयर करना, मैं अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ, ठीक है, ये गलती मत करो फ्रेंड, क्योंकि आप लोग का ईमेल आईडी पब्लिक होगा, कोई बंदा ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे पोस्ट कर देगा, तब क्या करोगे आप।
आपका ईमेल आईडी तो पब्लिक हो गया। अब मान लो एचआर अगर एक्शन ले लिया ईमेल आईडी पे, आपको कोई मेल ही नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना सर मैं एग्जाम देता हूँ, मेरे पास कुछ असेसमेंट कर एग्जाम दिया कुछ मेल नहीं आया, कैसे आएगा? आप लोग चीटिंग में ऑलरेडी पकड़ा जाते हो। और इस चीज़ को लेकर टीचर इन्फोसिस कभी मेल नहीं करती कि आपको जो है चीटिंग पर पकड़ा गए हो। बस एक आएगा आपको इंटरव्यू का लिंक आएगा, उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं आएगा, या फिर एग्जाम दे दिए इसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। यही रीज़न होता है फ्रेंड, प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। आप लोग मत शेयर करो, दूसरे का वेट करो, जिसको पता नहीं है वो लोग शेयर करें, आप उसका आंसर देख लो। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके दूसरे ग्रुप में शेयर, अपना खुद का आंसर क्लिक करके मत शेयर करो। ये आप लोग के लिए, भलाई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आंसर कहाँ से मिलेगा, आप लोग बस टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करो ना इन्फोसिस आंसर, आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आंसर ले लेना, ओके। तो यहाँ से आपको वगैरह आंसर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपका सीडो कोड का सेक्शन का आंसर है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सारे के क्वेश्चन के जो नंबरिंग है वो सेम है, आप लोग अपने हिसाब से मिला लेना। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, मैं क्वेश्चन एंड आंसर को यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ। हाँ, आंसर आप लोग देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो यार, मैं ट्राई करूंगा, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन वगैरह है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर आप लोग को रिकमेंड करूंगा आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, मैं बस आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यस, टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे भी ग्रुप है जो आंसर शेयर कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आंसर सही भी हैं, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चन को शेयर मत करो विथ योर ईमेल आईडी, कंटेनिंग योर ईमेल आईडी, बहुत प्रॉब्लम होगा फ्रेंड। क्योंकि अभी बहुत लोग आप लोगों को देख रहे होंगे और उसका फोटो का एक स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट डाल के लिंक में पोस्ट कर देंगे, तो क्या होगा आप लोग का? और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कर रहे हैं तो अपना नाम को जरूर चेंज कर देना, और जो शेयर कर रहे हैं वो अपने ईमेल आईडी को हाइड जरूर कर देना फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैं बता दिया फ्रेंड, ये आंसर वगैरह कुछ आंसर है जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा जितने भी नाम वगैरह उसमें मैं हटा दूंगा और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर आंसर वगैरह मिला लेना, ठीक है। तो ये फ्रेंड बता दो, एग्जाम अब मैं एग्जाम आंसर बताऊँ फ्रेंड, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर किए हो इन्फोसिस को लेकर, तो सारे के सारे आंसर फ्रेंड आपको गूगल में अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे के सारे आंसर। तो आप लोग फ्रेंड गूगल से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ यार, ये गलती जो मैंने बताया आपको, प्लीज़ ये गलती मत करना, ओके। 90% आर सेम फ्रॉम ऑल दी बैचेस, स्लॉट्स ऑफ द बैचेस, ओके। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर विद वीडियो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा फिर एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।